नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 1.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या बोला है हमसे? हमसे बोला गया है कि हमको ये पता करना है कि जो नीचे रिलेशंस दिए हुए हैं क्या वो रिफ्लेक्सिव हैं या सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। तो अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में तीनों के बारे में पढ़ा था कि किस रिलेशंस को हम रिफ्लेक्टिव बोलेंगे, किस रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलेंगे और किस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो चलिए अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो यहां पे आप देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रिलेशन आर इन एस इन द सेट ए। आपके पास यहां एक सेट ए दिया हुआ है। सेट ए क्या है हमारे पास में? तो सेट ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 अप टू 14। मतलब इस सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 से लेके तो 14 तक जितने भी नंबर हैं वो सब आपके सेट ए में गिवन हैं। और इसके साथ में हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है आर। रिलेशन आर, आर क्या गिवन है हमारे पास में? तो देखिए यहाँ रिलेशन आर गिवन है हमारे पास में, एक्स वाई सच देट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये हमारे पास में रिलेशन गिवन है। अब हमको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है। आप देखिए हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास सेट ए है, हम क्या कर रहे थे? ए क्रॉस ए करके एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे, फिर उसमें से देखते थे कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब हमारे पास में यहाँ पे दो सेट हैं, है ना? एक तो सेट ये हो गया ए, और दूसरा भी क्या होगा आपके पास में? सेट ए ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? तो 1, 2, 3 अप टू 14 तक। और उसी तरीके से इस सेट में भी आपके क्या एलिमेंट होंगे? 1, 2, 3 अप टू 14। ठीक है, अब करना क्या है? आप देखिए हमारे पास में कंडीशन दी हुई है। रिलेशन क्या दिया है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच देट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू, ये माइनस वाई इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू वाई। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3x। मतलब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यहाँ y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? तो आप देखिए x की वैल्यू हम 1 से लेके 14 तक यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले रखते हैं, अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? y। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह आप 1 रख दोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 3। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? 3 मिल रही है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम अगर x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो y इज इक्वल टू कितना होगा आपका? तो y इज इक्वल टू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट करोगे तो y हो जाएगा आपका 3 2 6। इसका मतलब 2 रखने पे y कितना मिलता है अपने को? 6 मिलता है। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3। अगर x 3 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? तो 3 इंटू 3
इज इक्वल टू 9, मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगा आपको, 3 और 9। फिर x इज इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 3 इंटू, यहाँ x की जगह 4 रख देंगे तो 4 3 12, तो आपका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 4 12, मतलब x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू हमको मिलती है 12। फिर देखिए अब हम x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 से लेके 14 तक है x, तो अब हम x की जगह 5 पुट करते हैं। अब x की जगह हम 5 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 3 इंटू 5, 5 3 15, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहा है हमारा, 5 15। अब देखिए बच्चों, यहां पे हमने बोला था कि देखिए ये दो सेट हैं ए और ए, एक्स काय में बिलोंग करेगा, एक्स मतलब इसके एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट को हम एक्स बोलेंगे और इसका जो एलिमेंट होगा उसको हम वाई बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर हम एक्स की वैल्यू 1 से लेके 14 तक पुट कर सकते हैं, और वाई की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, वाई की वैल्यू भी 1 से 14 के बीच में ही होना चाहिए, है ना। 14 से अगर ग्रेटर होगी तो वो इस सेट में लाई करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, यहाँ पर सेट A में 3 है। लेकिन जब हम x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू हमको मिलता है 15, लेकिन हमारे सेट A में तो वैल्यू सिर्फ 1 से लेके 14 तक है, 15 तो इसमें कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन क्या बनेगा आपका, तो रिलेशन ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो जो भी हमने वैल्यूज रखी थी, x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या मिला था हमको, 3, x इज इक्वल टू 2 रखने पे y मिला था हमको 6, x इज इक्वल टू 3 रखने पे y की वैल्यू हमको मिली थी 9, और x इज इक्वल टू 4 रखने पे y मिला था हमको 12। तो ये हमारे रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर यहां पर मिल गए हैं। अब हम इसको 5 और 15 को यहां नहीं लिख सकते, है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर 15 जो है सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, 15 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब हमको इसको चेक करना, अब हमने रिलेशन पता कर लिया यहां पे कि रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ये हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पूरा सॉल्यूशन लिखा था, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से मैंने यह किया। आपको ये चाहें तो आप रफ में ये कर सकते हैं, बस मेरे को मैं उसका आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सोल्व किया था, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब बच्चों देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, हमने देखा था ना रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन ये होती है कि जितने एलिमेंट हमारे सेट ए में हैं उन सब की सेम इमेज वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो यहाँ पे इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 अप टू 13 13 14 14 ये सब प्रेजेंट होना चाहिए, है ना, 1 1 2 2, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसके सेट ए के सारे एलिमेंट्स, है ना, सारे एलिमेंट्स आना चाहिए उसमें, 1 से लेके 14 तक सब, उन सब की जो है सेम इमेज वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है, 1 3 2 6 3 9 और 4 12, इन सब में कहीं ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि सारे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं क्या, 1 1 2 2 3 3, नहीं, ये कोई भी रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू, ये काय का सिंबल है हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू का, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
ये सारे रिलेशन आर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए देयरफोर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इसलिए हम बोल सकते हैं कि देयरफोर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. बात समझ में आई आपको कि यहाँ पे जितने ordered pair हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 up to 14, 14, ये सब यहाँ इस relation में present नहीं है, इसलिए हम इस relation को reflexive नहीं बोल सकते. इसलिए R क्या हो गया, R is not reflexive. अब second हम check करते हैं symmetric. अब symmetric के लिए क्या condition पढ़ी थी हमने, तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब हो सकता है, तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होगा जब उस रिलेशन में R और R इनवर्स, मतलब कि वो ऑर्डर्ड पेयर उसका इनवर्स भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, अब हम चेक करते हैं. देखो हमारे पास रिलेशन में क्या है, यहाँ पे जैसे हम बोले यहाँ पे हमारे पास में 1, 3 जो है इस रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है. अब चेक करते हैं क्या यहाँ पे 3, 1 कहीं पे आ रहा है, तो देखो आप 3, 1 तो कहीं पे भी इस रिलेशन में नहीं दिखाई दे रहा है. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. मतलब 1, 3 तो आर से बिलोंग कर रहा है, बट 3, 1 जो है वो आर पे बिलोंग नहीं कर रहा है. इसलिए क्या होगा, देयरफोर R is not symmetric. इसलिए हम बोल देंगे कि R जो है हमारा symmetric नहीं है. अब थर्ड चेक करते हैं हम transitive. अब transitive के लिए क्या condition पढ़ी थी हमने, हमने देखा था AB और BC अगर जो है रिलेशन में बिलोंग करते हैं तो ए सी भी उसमें बिलोंग करना चाहिए. अब इस रिलेशन में हम चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे जैसे हमने लिया 1, 3, तो ये हमारे पास में ए हो गया और ये बी हो गया. तो अगला हम देखते हैं बी सी. अब बी सी क्या होना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 3 कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम मान लेंगे बी सी. इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 3 और 3, 9, है ना. ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका बी सी. दोनों काय पे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं. अब अगर ये 1 और 9 भी इसमें बिलोंग करता है रिलेशन में, रिलेशन में कहीं पे 1 और 9 आता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है. अब आप चेक करो इसमें कहीं 1 और 9 प्रेजेंट है, तो आप देखोगे इस रिलेशन में हमको कहीं भी 1, 9 नहीं दिखाई दे रहा है. इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 1, 3 and 3, 9 बिलोंग्स टू R, बट 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R. अब जब 1, 9 इसमें R में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए क्या होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव. R भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास में, रिलेशन R इन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज R इज इक्वल टू एक्स वाई सच देट Y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड X इज लेस देन 4. अब देखो बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन आप सोल्व करो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए. अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, तो आप उसका सॉल्यूशन बहुत इजी वे में कर सकते हैं. तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया वो हम लिख लेते हैं, कि हमारे पास में एक सेट है एन. क्या दिया हुआ है, एक सेट एन. तो हमारे पास एक सेट एन है. एन क्या है, मतलब नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी नंबर होंगे 1 से लेके इन्फिनिटी तक, वो सब क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर्स. उसके बाद हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है.
अब रिलेशन क्या दिया वो भी हम यहां लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है एक्स वाई सच देट y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव और साथ में दिया हुआ है एंड x इज लेस देन फोर। x क्या होना चाहिए आपका फोर से छोटा होना चाहिए। ये क्लियर है सबको। हमारे पास एक सेट n दिया हुआ है जो सेट n में क्या है जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं मतलब वन से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं वो सब हमारे सेट n में प्रेजेंट हैं और रिलेशन r गिवन है एक्स वाई सच देट y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन को लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब देखो कंडीशन ये दी हुई है कि जो x की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए हमारी फोर से छोटा होना चाहिए मतलब x इज लेस देन फोर। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या होगी x में हम क्या क्या रख सकते हैं तो इसका मतलब हम x में क्या क्या रख सकते हैं x में हमारे पास जो n में जितने नंबर्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं में से तो हम रखेंगे। अब n में क्या है वन से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर है लेकिन कंडीशन ये है कि x आपका फोर से छोटा होना चाहिए। तो फोर से छोटे क्या क्या नंबर है हमारे पास में यहाँ पे सेट में तो एक तो वन प्रेजेंट है दूसरा टू और तीसरा थ्री। तो x वन टू थ्री ये तीन नंबर हमारे पास में यहाँ पे इस सेट n में प्रेजेंट है जो फोर से छोटे हैं। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे वन टू और थ्री पुट करेंगे। तो अब हम हमारा रिलेशन लिखते हैं अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारे को इस इक्वेशन में ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाना है तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब देखिए जब हम x की वैल्यू वन पुट करेंगे यहाँ तो y कितना मिलेगा तो x की अगर वन रखेंगे तो वन प्लस फाइव मतलब कि सिक्स। फिर x की वैल्यू हम पुट करेंगे टू तो टू प्लस फाइव सेवन। फिर हम पुट करेंगे x की जगह थ्री तो y इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस फाइव एट। तो हमारा रिलेशन क्या मिल गया ये हमको रिलेशन मिला। अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन है कि जितने भी सेट n में एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके क्या होना चाहिए उनकी सेम इमेज वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए मतलब कि वन वन टू टू थ्री थ्री अप टू इन्फिनिटी तक ये सारे एलिमेंट काय में बिलोंग करना चाहिए R में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन देखिए क्या इस रिलेशन में ये सब बिलोंग कर रहे हैं क्या कहीं पे वन वन आ रहा है टू टू आ रहा है थ्री थ्री आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट R में बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू R। अब जब ये R में बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा देयरफोर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए हम बोलेंगे कि R जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी हमारी तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये थी कि जितने एलिमेंट जो यहाँ पे ए बी प्रेजेंट है उसका इनवर्स बी ए बी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए ठीक है। अब चेक करते हैं जैसे यहाँ पे वन और सिक्स रिलेशन में वन और सिक्स प्रेजेंट है तो वन और सिक्स आर से बिलोंग कर रहा है तो अब इसका इन्वर्स क्या होना चाहिए सिक्स और वन वो भी आर में प्रेजेंट होना चाहिए वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन कहीं सिक्स और वन दिखाई दे रहा है आपको इस रिलेशन में तो देखिए सिक्स और वन कहीं भी बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम लिख देंगे बट सिक्स वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब सिक्स वन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा देयरफोर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए हम बोलेंगे कि R हमारा जो है सिमेट्रिक नहीं है। बात क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट चीज हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव।
अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, तो ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा था कि ए बी और बी सी अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी भी उसमें बिलोंग करना चाहिए। अब देखो यहां पे हम चेक करते हैं, अगर हम इसको देखते हैं तो अगर हम ए की वैल्यू 1 मानते हैं और बी 6 है, तो कहीं पे हमको ऐसा एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है जो 6 से स्टार्ट हो रहा हो? कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा यहाँ 6 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ये सब किस फॉर्म में आ गए, आपके ए बी के फॉर्म में आ गए। अब आप थोड़ा सा पीछे रिमाइंड करिए, जब हमने ट्रांजिटिव पढ़ा था तो ये देखा था कि अगर यहाँ पे सारे ही जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी के फॉर्म में होंगे तो वो सब क्या होंगे, ट्रांजिटिव होंगे। हमने पढ़ा था ना कि ये भी देखिए ए बी है, ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो यहाँ सब भी जो है ए बी और ए बी के ही फॉर्म में है, कहीं पे बी सी हमको मिल ही नहीं रहा है। तो जब बी सी नहीं है तो इसका मतलब ये सब क्या होंगे, ट्रांजिटिव होंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आप उसको ऐसे लिख दीजिएगा कि 16, 27 एंड 38 बिलोंग्स टू आर, ये सब आर में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। इसलिए हम बोलेंगे आर क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास, 1 से लेके 6 तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच देट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो पहले हम लिख देते हैं हमारे पास में सेट ए, सेट ए में क्या क्या गिवन है, तो सेट ए के एलिमेंट्स है हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास में यहाँ पे, तो रिलेशन आर गिवन है एक्स वाई सच देट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई जो है हमारा एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पे, इसका रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब क्या होना चाहिए कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम x की वैल्यू 1 से लेके 6 तक पुट करेंगे और चेक करेंगे कौन कौन से जो है y जो है किस किस से डिविजिबल है। अब देखिए सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो चेक करिए कि x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या ये y डिविजिबल होगा, मतलब कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये y को मैं पहले लिख देता हूँ, तो ये 1 जो है 1 से डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल होगा, अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो ये y जो है 1 से डिविजिबल होगा। देखिए हमारे x और y दोनों के एलिमेंट क्या हैं, मतलब हम क्योंकि दोनों हमारे पास में सेट a ही हैं और a के एलिमेंट हो गए 1 से लेके 6 तक, मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 6 के बीच में ही कुछ होगी, तो ये 1 जो है इससे डिविजिबल होगा। अब देखिए 2 भी 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप देखिए 3 भी 1 से डिवाइड होता है, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे 3 भी डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से x इज इक्वल टू 1 रखने पे 4 भी हमारा 1 से डिविजिबल है, फिर 5 भी हमारा 1 से डिविजिबल है और 6 भी हमारा 1 से डिविजिबल है। अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, अब 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या ये 1 2 से डिविजिबल है, नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 2 खुद से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इज डिविजिबल बाय 2। उसके बाद में क्या ये 3 2 से डिविजिबल है,
नहीं है। फोर टू से डिविजिबल है, यस फोर इज डिविजिबल बाय टू, तो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या होगा, टू फोर। फिर देखिए फाइव टू से डिविजिबल है, नहीं है। सिक्स टू से डिविजिबल है, यस। तो एक्स इज इक्वल टू टू रखने पे ये सिक्स जो है टू से डिवाइड हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम रखते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब देखिए थ्री रखने पे क्या ये वन डिवाइड हो रहा है, नहीं होगा। टू डिवाइड होगा, नहीं होगा। थ्री डिवाइड होगा, तो यस एक्स इज इक्वल टू थ्री रखने पे ये थ्री डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा थ्री थ्री। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री रखने पे फोर डिवाइड होगा, नहीं होगा। फाइव थ्री से डिवाइड होगा, नहीं होगा। सिक्स, तो सिक्स हमारा थ्री से डिवाइड हो जाएगा। फिर फोर रखते हैं, अब एक्स इज इक्वल टू फोर रखने पे वापस से चेक करते हैं, वन फोर से डिविजिबल है, नहीं है। टू भी नहीं है, थ्री भी नहीं है, फोर इज डिविजिबल बाय फोर। फिर फाइव डिविजिबल है क्या फोर से, नहीं होगा। और सिक्स भी फोर से डिविजिबल नहीं है। फिर हम फाइव रखेंगे, तो कौन सा नंबर होगा जो फाइव से डिविजिबल होगा, तो सिर्फ फाइव ही फाइव से डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट नंबर अब सिक्स चेक करते हैं, तो देखिए क्या वन सिक्स से डिविजिबल है, नहीं है। टू भी सिक्स से डिविजिबल नहीं होगा, थ्री भी नहीं होगा, सिर्फ कौन सा नंबर होगा सिक्स से डिविजिबल, सिक्स। तो बच्चों ये हमको यहाँ पे हमने इसका रिलेशन बना लिया। अब हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होगी, तो हमने देखा था रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जितने एलिमेंट ये हैं इनके आइडेंटिटी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब कि वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव और सिक्स सिक्स, ये सब क्या होना चाहिए, अगर R से बिलोंग करते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब चेक करते हैं क्या ये बिलोंग कर रहे हैं, तो देखिए वन वन भी इसमें है, फिर टू टू तो टू टू भी यहाँ पे इस रिलेशन में है, थ्री 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 भी यहाँ इस रिलेशन में प्रेजेंट है, फोर फोर भी रिलेशन में प्रेजेंट है, फाइव फाइव भी रिलेशन में प्रेजेंट है, और सिक्स सिक्स भी यहाँ पे रिलेशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं यहाँ पे इस रिलेशन में प्रेजेंट हैं, इसलिए हम बोल देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, तो सिमेट्रिक के लिए हमने देखा था कि R और R इनवर्स दोनों ही रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए यहां पे वन टू, वन टू इस रिलेशन में प्रेजेंट है। अब कहीं पे टू वन प्रेजेंट है क्या, चेक करते हैं हम, तो कहीं पे भी यहां पे टू वन प्रेजेंट नहीं है, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वन टू जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, बट टू वन Does not belongs to R। अब बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम ये क्वेश्चन सोल्व करें, आपको हमेशा कोशिश ऐसा करना है कि ऐसा एलिमेंट ढूंढिए या ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढिए कि जो वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। हमको ये कोशिश करना है कि उसके ना प्रेजेंट होने वाला नंबर वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करिए। तो जैसे यहाँ पे वन टू R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन टू वन R में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे therefore R is not symmetric। फिर transitive चेक करते हैं, transitive के लिए क्या condition देखी थी हमने, तो ए बी और बी सी अगर R से बिलोंग कर रहा है तो ए सी भी R से बिलोंग करना चाहिए। अब चेक करते हैं, देखिए जो सिमेट्रिक वाले हैं, सॉरी जो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं उनको तो हम एक तरफ रखते हैं और दूसरे एलिमेंट्स को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वन टू, वन टू जो है हमारा यहाँ पे A की वैल्यू वन हो गई और B की वैल्यू टू हो गई। फिर हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं हमारा ये बी सी, तो इसका मतलब है वन टू और टू फोर अगर
आर से बिलोंग कर रहे हैं तो वन और फोर भी आर से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ए हो गया, ये बी और ये बी और ये सी। इसका मतलब ए सी क्या होगा, वन और फोर। तो देखिए क्या इसमें वन और फोर प्रेजेंट है, तो हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम चेक करेंगे दूसरा वन थ्री, फिर देखिए वन थ्री और थ्री सिक्स, तो इसका मतलब वन थ्री और थ्री सिक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वन और सिक्स भी यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, तो वन सिक्स भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम सबको चेक कर लेंगे, तो हमको सारे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे एक ही कंडीशन लिख देते हैं कि वन टू एंड टू फोर दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, बट वन एंड फोर ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब ये भी वन और फोर भी आर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव। तो अब हमने इसमें रिलेशन में देखा कि हमको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जो ट्रांजिटिव नहीं है, हम सबके लिए चेक कर लेंगे तो सब में क्या होगा, वो ट्रांजिटिव बनेगा। मतलब ए बी और बी सी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो वन सी भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे आर इज ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब यहां पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, एक सेट जेड दिया हुआ है। अब जेड क्या होता है, तो सेट जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इंटीजर्स को, इंटीजर्स मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर्स, तो माइनस इन्फिनिटी से तो प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री अप टू इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या होंगे, सेट जेड के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। अब रिलेशन क्या दिया है, तो जो रिलेशन दिया है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो R इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन है एक्स वाई सच देट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। यह हमारे पास रिलेशन गिवन है। अब देखिए हमको यहां चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। अब अभी तक हमारे पास में क्या थे, एक सेट के अंदर या तो फिक्स नंबर थे और सिंपल था, तो जिसको हम इजीली जो है नंबर के फॉर्म में लिख पा रहे थे। लेकिन जब एक हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं फिर हम देखेंगे इसको लिखना कैसे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि एक्स वाई अगर हम रखते हैं सच देट, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, तभी इसके अंदर वो लाई कर पाएगा। मतलब इस रिलेशन में एक्स और वाई की वैल्यू वो ही होगी कि जब उनको माइनस किया जाए तो हमको एक इंटीजर मिले। तो अब हमने देखा था कि कोई भी नंबर हम यहाँ पे रखेंगे, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे मैं वन रखता हूँ तो इधर भी वन आना चाहिए, टू रखूँगा तो टू आना चाहिए, माइनस वन रखूँ तो माइनस वन इधर भी आना चाहिए, माइनस टू रखूँ तो वाई की वैल्यू भी माइनस टू ही हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देखो मैं कोई भी नंबर यहाँ रखता हूँ, मैं इधर रफ में करके बताता हूँ आपको, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक्स की जगह वन रखा तो y भी मेरा 1 ही होगा, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो इसका मतलब 1 और 1 इसमें लाई करना चाहिए। तो क्या होगा, अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, x माइनस वाई मतलब यहाँ पे x भी 1 है और y भी 1 है, तो दोनों को माइनस करने पे क्या मिलता है हमको, 0 मिलता है, और 0 एक इंटीजर है क्या, तो बिल्कुल 0 एक इंटीजर है, तो वो इस रिलेशन में लाई करेगा बिल्कुल। अब कुछ और वैल्यू रख लेते हैं, सपोज मैं रखता हूँ माइनस 3 और माइनस 3 है ना, तो अगर ये इसके अंदर रिलेशन में लाई करेगा तो क्या होना चाहिए, माइनस 3 माइनस
माइनस थ्री करेंगे तो माइनस थ्री प्लस थ्री मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब हम यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे, आप देखो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, जीरो मिलता है। मतलब जीरो एक इंटीजर है, इसके मतलब कि जितने भी रिफ्लेक्सिव एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे, या जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सब इस रिलेशन में लाई करेंगे। अब उसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसको इस तरीके से आप लिखोगे कि फॉर एवरी x belongs to z, अब जितने भी हम x ले रहे हैं जो कि z से बिलोंग कर रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए कि अब सिमेट्री की कंडीशन यही है ना, x और x क्या करना चाहिए, belongs to R। तो हम जब भी इसकी वैल्यू रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तो आप देखो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि जब भी हम x और y रख रहे हैं, मतलब कि y की जगह भी हमको x ही रखना पड़ेगा, तो जब हम दोनों वैल्यू रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, x माइनस एक्स हो जाता है, क्योंकि y की वैल्यू भी हम x रख देंगे, और x माइनस एक्स कितना होता है, जीरो। और जीरो क्या है, तो जीरो इज एन इंटीजर। यहाँ पे कंडीशन यही दी है ना कि x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए, तो ये जीरो हमको एक इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सब इसके अंदर लाए करेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं, तो देयर फोर आप लिख दोगे इसको, देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आपको ये लिखने का मेथड समझ में आया किस तरीके से हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप पहले लिखोगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जेड, जितने भी जो है एक्स जेड से बिलोंग कर रहा है उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या थी, एक्स और एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से, तो जब हम एक्स और एक्स अगर आर से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या मिलता है, हमने यहाँ रफ में करके देखा था कि हम किस कुछ भी वैल्यू रखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो हमको आंसर कितना मिल रहा है, जीरो। और कंडीशन क्या है कि जीरो एक इंटीजर होना चाहिए, तो जीरो एक इंटीजर है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं हम सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए हमने देखा था कि R और R इनवर्स दोनों ही इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए कि अगर उसको भी हम रफ में पहले से समझ लेते हैं कि सपोज मेरे पास में एक एलिमेंट है वन और माइनस थ्री ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, वन और माइनस थ्री इसमें लिया हुआ है, तो अगर इसका मैं इन्वर्स करूंगा तो क्या होगा, इसका इन्वर्स माइनस थ्री और वन होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वन और माइनस थ्री इसमें होगा, कब होगा, जब एक्स माइनस वाई एक इंटीजर होगा, तो आप देखो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो एक इंटीजर मिलेगा हमको, वन माइनस माइनस थ्री करते हैं तो कितना आएगा, वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर आता है, और उसी तरीके से इसको आप माइनस करोगे तो माइनस थ्री माइनस वन कितना आता है, माइनस फोर। तो देखो फोर भी एक इंटीजर है और माइनस फोर भी एक इंटीजर है। अब जरूरी नहीं कि दोनों की वैल्यू सेम हो, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी तो भी चलेगा, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो यस दोनों इंटीजर मिल रहे हैं हमको, इसका मतलब ये क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा। बात समझ में आ रही है आपको, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसको हम अब रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, अगर कोई एक्स वाई आपका जो है सॉरी बिलोंग्स टू आर, अगर इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, तो x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, तो अगर x माइनस वाई इंटीजर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि देन y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, उसका आप उल्टा कर दोगे, वो भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया ना कि अगर हम 1 माइनस थ्री लें या माइनस थ्री 1 लें, दोनों के ही आंसर हमको कुछ इंटीजर ही मिलेगा, तो x माइनस वाई एक इंटीजर है
तो y माइनस एक्स भी एक इंटीजर होगा। अब जब y माइनस एक इंटीजर है इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर x y r से बिलोंग कर रहा है तो y और x भी क्या होगा, r से बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जब y और x r से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं देयर फोर आर इज सिमेट्रिक। बात क्लियर है सबको? अब देखिए नेक्स्ट हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन थी, तो हम देखो अगर एक्स वाई और वाई जेड, अब हम क्या ले लेते हैं, वहां पे हम लेते थे ना ए बी और बी सी, तो यहां पे हमारे पास में एक्स वाई है तो अगला एलिमेंट क्या होना चाहिए, वाई जेड। तो एक्स वाई और वाई जेड अगर हमारा आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर एक्स और जेड भी इसमें बिलोंग कर गया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब इसको भी मैं एक एग्जांपल से आपको समझा समझा देता हूँ। देखिए अगर मैं एक्स की जगह ले लेता हूँ वन और वाई की जगह कुछ भी इंटीजर ले लो, मैं फोर लिख देता हूँ, ठीक है, वन और फोर सपोज इसमें लाई कर रहे हैं, क्योंकि वन माइनस फोर करेंगे तो हमको -3 मिलेगा और -3 भी एक इंटीजर है। फिर अगला हम लिखते हैं फोर और फाइव, कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो फोर फाइव, तो फोर माइनस फाइव करेंगे तो हमको -1 मिलेगा, वो भी एक इंटीजर है। तो अगर ये दोनों इस रिलेशन में हैं तो क्या वन और फाइव होगा, तो देखो वन माइनस फाइव करने पे क्या आता है, -4, तो -4 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एक्स वाई और वाई जेड हैं तो वहां पे एक्स और जेड भी लाई करेगा, मतलब ये एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड है, तो हमको क्या मिल रहा है, एक्स जेड भी एक इंटीजर मिल रहा है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका ट्रांजिटिव होगा। तो आप उसको लिखोगे कैसे, तो एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर, आप यहां लिख दीजिए कि वेन एक्स वाई जेड तीनों काय से बिलोंग कर रहे हैं, तीनों बिलोंग्स टू जेड, तीनों काय से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा सेट Z से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर X Y बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब X माइनस वाई एंड Y माइनस जेड दोनों क्या होगा, यही होना चाहिए ना, X माइनस वाई एक इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर होगा और ये भी एक इंटीजर होगा, आर इंटीजर्स, ये सब क्या है आपके इंटीजर्स हैं, तो ये इंटीजर हैं। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स माइनस जेड, और एक्स माइनस जेड क्या है, इंटीजर, वो हम यहाँ समझा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये भी क्या है, इज एन इंटीजर। अब x माइनस जेड भी एक इंटीजर है तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि देट इज एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स जेड भी आर से बिलोंग करेगा। मतलब पहले हमको लिखना था एक्स वाई वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, तो अब हमने ये बता दिया कि एक्स जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो जब ये एक्स जेड आर से बिलोंग कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, इसलिए हम बोलेंगे आर क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव।